डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये टेरेस दिखा रहा हूँ। छत है आपके, छत में दिक्कत आ रही है। अगर ऐसा है तो आप वीडियो देखिए, इस ट्रीटमेंट पर क्या होगा, कैसे ठीक होगा, छत का फटना, पानी के टपकना, नीचे जाना, सीलन लीकेज, ये सब चीज़ कैसे ठीक होगा, तो मैं आपके लिए वीडियो दिखाया हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मैं बारीकी से हर चीज़ बताऊँगा कि अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको क्या करना है। तो पहले आपको छत दिखा देता हूँ, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ चुकी हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके छत के अगल बगल जो है दीवार बनी है, इस पर भी सीलन से पूरा पेंट झड़ रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। और इस छत पर क्रैक भी आना शुरू हो चुका है, छत के ऊपर क्रैक है, फटना है इसका, और ऊपर का पपड़ी उखड़ रहा है, और बहुत पुराना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हो सकता है आपका छत भी ऐसा ही हो, तो ये पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है। इस पर गमले भी रखे गए हैं, ये जो है इस पर कुछ पौधे लगाए गए हैं, तो इसमें पानी डाला जाता है तो पानी पूरे छत पर आता है, जिससे ये छत को ख़राब करना शुरू कर दिया है। टैंक भी जैसा कि आप देख रहे हैं, टंकी भी लगी हुई है पानी की, तो ये सब चीज़ें हैं छत पे, जिससे इस पे सीलन लीकेज पूरे घर में जा रहा है, दीवार पर जा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है, आपका छत है, आपका भी ऐसा ही छत है, तो उस पर वाटर प्रूफिंग करना बहुत ज़रूरी है। वाटर प्रूफिंग अगर करा देते हैं आप, तो जो भी आप गमले लगाइए, पौधे लगाइए, छत पे टंकी रखिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं पपड़ी पूरे दीवार को उखड़ चुका है, टाइल्स लग चुका है, यह सब गिर रहा है धीरे धीरे। तो इसको रिपेयरमेंट के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची है, यहाँ पे विजिट किया है, साइट विजिट किया है, तो ये सब चीज़ें आई हैं। तो हो सकता है कि आपका भी यही दिक्कत हो। तो इसका एक जो ट्रीटमेंट होगा, 7 कोटिंग वाटर प्रूफिंग होगा, 7 कोटिंग रबड़ वाटर प्रूफिंग इस पर होगा। लिक्विड रबड़ होता है, पॉलीमर होता है, सूखने के बाद एक तरफ से पॉलीमर बन जाता है, क्लियर बन जाता है। टोटल 7 कोट होगा, उसके बाद ये ठीक हो पाएगा। शुरू में क्या हुआ था कि गलती हुई थी, अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम ही वाटर प्रूफिंग करा देते हैं, छत का वाटर प्रूफिंग या पूरे घर का वाटर प्रूफिंग जहाँ भी होना चाहिए करा देते हैं, तो आगे चल के आपको ये जो दिक्कतें हो रही हैं, जो छत का फटना, ये देख रहे क्रैक आ चुका है, या प्लास्टर गिर रहा है, सीलन लीकेज पूरे घर को ख़राब कर दिया है, पैसा भी बर्बाद हो रहा था, ये सब चीज़ आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। फाइबर मेस होता है, ग्लास फाइबर इसके ऊपर लगेगा, जैसे कि मैं वीडियो में दिखाया हूँ, ये देखिए, ये रबड़ वाटर प्रूफिंग इस पर पूरा हो चुका है, हो रहा है। ग्लास फाइबर लगाने से ये बेनिफिट होता है कि जो क्रैक होता है वहीं पर रुक जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन के टाइम ही इसे करा देते हैं तो क्रैक कभी आएगा नहीं, जब क्रैक नहीं आएगा तो छत नहीं फटेगा, सीलन लीकेज आपके घर में नहीं जाएगा। तो ग्लास फाइबर एक तरफ से पॉलीमर होता है, बहुत ही मजबूत होता है, छत की मजबूती भी ये बढ़ाता है। तो आप अपने छत पर ग्लास फाइबर, फाइबर मेस वाटर प्रूफिंग, लिक्विड रबड़ वाटर प्रूफिंग ही कराएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, धन्यवाद।